सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष क्राफ्ट जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक प्रेशर वाली पिचकारी। जी हाँ गाइस, प्रेशर वाली पिचकारी काफी अच्छा वर्क करेगी और गाइस आपको उसको बनाने में मजा भी आएगा। और हाँ गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गाइस मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। सब्सक्राइब करने का रेड कलर का बटन है, बिल्कुल फ्री, आप उसको दबा दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। Against my intentions, I let you turn me violent inside. गाइज, हमको यहाँ पर पिचकारी बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्लास्टिक बोतल का। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम यूज़ करेंगे गाइस प्लास्टिक बोतल का। आप किसी भी कंपनी की बोतल ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यही वाली हो, आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटी बड़ी भी इसको कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी कैप को ले लेना है, मतलब जो उसका ढक्कन है ऊपर का उसको हटा देना है। और उसके अंदर गाइज हमको दो छेद बनाने हैं, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। आप यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ भी कर सकते हो, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी किसी चीज़ का यूज़ करके इसके अंदर आप होल को बना सकते हो। कुछ इस प्रकार से गाइस आपको दो होल इसके अंदर बना लेनी है, आप देख सकते हो गाइस। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इन होल को थोड़ा सा मतलब साफ करना है। मतलब देखो गाइस, अच्छी तरीके से प्रॉपर होल नहीं हुआ है तो कोई भी गोल चीज़ लेकर आप स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके साथ भी इसको साफ कर सकते हो। ये देख सकते हो गाइस, मेरे पास बिट पड़ी थी यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की, तो गाइस मैंने उससे इसको क्लियर कर दिया एकदम। अब देखो गाइस, दोनों जो छेद है वो बराबर हमको दिख रहे हैं। अब गाइस हमको यहाँ पर यूज़ करनी है गाइस ये पाइप। गाइस ये वाली पाइप आपको किसी भी जो आपके नियर बाय क्लिनिक होगा उसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है गाइस। वैसे गाइस मैं इसको नई लेके आया हूँ, अगर आप हो तो गाइस मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आपके आसपास कोई छोटा मोटा क्लिनिक हो तो आप उसके पास जाना और उसको बोलना भाई ग्लूकोज वाली पाइप दे दो, जो उसके वेस्ट हो जाती है मतलब एक बार लगाने के बाद, तो वो आपको ऐसे ही दे देगा, आप इसको धो लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करेगी ये। तो ठीक है गाइस, इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं मिलती है तो भाई आप केमिस्ट की शॉप पर जाओ, उसको बोलो भाई जो ग्लूकोज वाली पाइप होती है आप मेरे को वो दे दो, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है या फिर बनाने के लिए चाहिए मेरे को, तो वो आपको दे देगा, ठीक है गाइस। मेरे को ये 30 रुपये की मिली थी केमिस्ट की शॉप पर, तो मैं इसको ले आया, ठीक है। अब गाइस हमको क्या करना है, इस पाइप को काट लेना है और काटने के बाद गाइस इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है ग्लू गन से, बिल्कुल हमको इसको एयर टाइट करना है, मतलब भाई हवा भी बाहर नहीं जानी चाहिए इसके अंदर से, हमको इसको अच्छी तरीके से पैक कर देना है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हो मैंने इसको पैक कर दिया है। अब गाइस हमको क्या करना है, हमको एक और कट लगाना है, कुछ इतना हिस्सा मैंने इसका ले लिया है, बाकी मैं इसको कट करके अलग कर देता हूँ, ठीक है गाइस। ये मैंने अलग कर दिया है और गाइस ये रबड़ है जो उसको जो हमने कनेक्ट किया था उसके अंदर हम लगा देते हैं, ठीक है गाइस। अब ये इधर कनेक्ट हो गया है अच्छी तरीके से, ये देख सकते हो गाइस आप, ठीक है गाइस। अब गाइस हमको क्या करना है, हमको जो हमने ये वाली दूसरी वाली पाइप काटी थी इसको भी लगा लेना है इसके अंदर ही, तो इसको भी गाइस मैं जो हमने दूसरे वाला होल बनाया था उसके अंदर से हम इसको डाल लेते हैं। और इसको गाइस हमको बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डालनी है ताकि ये जो हमारी बोतल है उसके अंदर पूरी बिल्कुल एंड तक बॉटम तक बिल्कुल चली जाइए, इतनी बड़ी हमको इसको रखना है। और इसको भी हमको सेम वही प्रोसेस करना है, इसको भी चिपका देना है ग्लू गन के साथ। और हाँ गाइस यार, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियोज़ देखना अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ यार एक भाई एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बगल वाली बेल आइकन को भी दबा देना, बिल्कुल फ्री है भाई, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो अब गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग भाई 50% काम हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाइस दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आप या तो इसको नॉर्मल आप अपने मुँह से इसको हवा दे के इसके अंदर मतलब प्रेशर बना सकते हो बोतल के अंदर, या फिर गाइस जो उसका दूसरे वाला तरीका है वो है एयर पंप, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला एयर पंप। आज की वीडियो में हम यही वाला तरीका अपनाने वाले हैं और इसी को यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर जो हमने वो रबड़ लगाई है ब्राउन कलर की जो मेरे हाथ में है, आप उसको अपने मुँह से हवा दे सकते हो और प्रेशर बना सकते हो, सेम काम करेगी। लेकिन भाई मैं इसके अंदर एयर वाला पंप लगा रहा हूँ, ये इसके अंदर हवा बनाएगा मतलब प्रेशर बनाएगा और प्रेशर बनाएगा, ठीक है, कहने का मतलब इतना है प्रेशर बनाएगा। अब गाइस ये है बैटरी, तो गाइस मैं ये वाली बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो नीचे वाली जो लैपटॉप बैटरी होती है लिथियम बैटरी उसका भी यूज़ कर सकते हो, ये 4 वोल्ट की होती है 2 एम्पियर की, काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है, इसीलिए गाइस मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस सिंपल कनेक्शंस हैं, आप देखते रहिए कैसे कैसे कनेक्ट करना है, मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले गाइस मैंने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स में ब्लैक और रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि रेड इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है।
अब गाइज यहाँ पर हमको ले लेना है एक चार्जिंग मॉड्यूल, क्योंकि गाइज हम इसको चार्जेबल बनाने वाले हैं, एक बार यूज़ करके ख़त्म ना हो जाए बैटरी तो भाई दोबारा चार्ज भी हो, इसीलिए गाइज हम इसको चार्जिंग वाली रखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, हमको सिर्फ सोल्डरिंग करनी होती है। तो वहीं मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइज। अब गाइज हमने कनेक्ट करा है तो इसका मतलब भाई रेड इंडिकेट हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो गई है और वो चार्ज भी होने लगी है। अब गाइज हमको ले लेना है हमारा जो एयर पंप है उसको, और इसके अंदर भी गाइज हमको क्या करना है, सोल्डरिंग करनी है, ठीक है। जो इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो देख के भाई आप अपने हिसाब से करना, सीधे ही जोड़ना मैं तो ये कहूँगा, आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है। और मैंने नेगेटिव पॉइंट जोड़ दिया है, पॉजिटिव को भी मैं जोड़ देता हूँ, और जो हमारे कनेक्शंस हैं मोटर के साथ वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ये देन हो गया, ठीक है गाइस। अब गाइस हमको क्या करना है, इसको मतलब बांधना है एक चीज़, मतलब एक छोटा सा मॉड्यूल टाइप बनाना है, एक स्ट्रक्चर टाइप बनाना है। उसके लिए गाइस क्या करूँगा, बैटरी है, बैटरी को मैं बेस बनाऊँगा, ठीक है। पहले इसके जो पॉइंट्स हैं दोनों उस पर भी मैं थोड़ी सी ग्लू गन लगा देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए, तार थोड़ी बहुत भी खींचे तो टूटे ना। और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा पानी वानी भी लग जाए, मतलब भाई होली खेलेंगे तो भाई मतलब पानी वानी तो लगेगा ही ना, तो इसको कोई डैमेज ना हो, इसलिए गाइस मैं इसको कवर भी कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब गाइस हमको क्या करना है, जो ये हमारा सर्किट है, जो चार्जिंग मॉड्यूल है, उसको हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स करना है। तो यार यहाँ पर तो चार्जिंग करते वक्त दिक्कत आएगी, तो मैं इसको थोड़ा घुमा करके लगा देता हूँ। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब गाइस हमको क्या करना है, इसके ऊपर वापसी ग्लू गन से इसको चिपका देना है और एक सर्किट मॉड्यूल टाइप कुछ बना देना है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से यहाँ पर ग्लू लगा देता हूँ और इसको चिपका देता हूँ। तो गाइस अब हमने इसको भी चिपका दिया है, देख सकते हो गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो ये बिल्कुल अच्छे से लग गया है। अब गाइस हमको क्या लेना है, अब लेना है गाइस हमको एक ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। इसको टिप टॉप स्विच भी बोलते हैं, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, आप जो अपनी लैंग्वेज में बोलो भाई वो है ये, ठीक है। इसको भी हम इसके ऊपर चिपका लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हमको कनेक्शंस करने हैं, जितने भी हमने छोड़े हैं कनेक्शंस उनको जोड़ना है, स्विच को मोटर से कनेक्ट करना है और मोटर को इस मॉड्यूल से कनेक्ट करना है। तो ठीक है, ये बेसिक सा काम रह गया। इसके बाद जो हमारी पिचकारी है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पिचकार तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। उसको चलाने के लिए हम एक ब्लोअर टाइप बना रहे हैं, तो ठीक है। अब भाई इसके साथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले स्विच के नेगेटिव पॉइंट को, जो इसके अंदर आउटपुट का नेगेटिव पॉइंट है, उससे हम कनेक्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर लगा देता हूँ, जिससे जो हमारे कनेक्शन है वो बिल्कुल फाइन और बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहले सर्किट के नेगेटिव पॉइंट पे मैं ये नेगेटिव वाला कनेक्ट कर देता हूँ वायर को आउटपुट का। ओके, ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है, इसको स्विच के ऊपर लगा देता हूँ, ये भी कनेक्ट हो गया है। अब गाइस हमको क्या करना है, मोटर के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। जो मोटर है उसको भी मैं पहले ग्लू गन से चिपका लेता हूँ बैटरी के ऊपर ही, कुछ इस प्रकार से। गाइस हम यहाँ पर थोड़ी ग्लू डालेंगे और इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, और उसके बाद हम थोड़ा और सिक्योर करने के लिए भी इसके ऊपर जिप टाई भी लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी हिले डुले ना। अब देखो गाइस इसको मैं इसके ऊपर चिपका देता हूँ और एक मिनट सूखने का वेट करते हैं, सूखने के बाद बिल्कुल बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है, और इसके बाद गाइस जो इसकी जो दो तारे हैं हमको उसको कनेक्ट करना है। उससे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये वायर, एक्स्ट्रा वायर है जो उसको हम काट करके अलग कर देते हैं। इसको हम हटा लेते हैं और इसको छील लेते हैं वायरों को, दोनों को, नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के। और जो ये नेगेटिव वाला है हमको स्विच के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देना है, और पॉजिटिव वाला है वो सर्किट के पॉजिटिव आउटपुट पॉइंट पर लगा देना है। वेल गाइस अब यहाँ पर हमारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, हमारी मोटर भी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पर। तो इसको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हमारा गाइस लगभग पूरा काम हो चुका है, ठीक है। अब गाइस ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है, मैं आपको बटन भी दबा करके दिखा देता हूँ। और देखो गाइस यहाँ पर ये हवा बनाने लग गया है, मेरे को महसूस हो रही है, आपको तो नहीं दिख रही होगी वीडियो में। अब गाइस हम थोड़ा सा इसको और मजबूत कर देते हैं, और जो ये वायर है इनको भी मैनेज कर देते हैं, इनको भी चिपका देते हैं, ताकि यार ये भद्दा लग रही है ना, और अगर ऐसी रहा तो भाई ये टूटने का भी डर है इसके अंदर। तो गाइस मैं इसको भी मैनेज कर देता हूँ, चिपका देता हूँ, और देखिए गाइस ये चार्ज भी हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब गाइस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तार को कुछ इस प्रकार से इसके पीछे चिपका दूँगा ग्लू गन ली। गाइस
ग्लू गन से मैंने थोड़ी सी डाली और इसको इसके ऊपर चिपका दिया कुछ इस प्रकार से। अब जो गाइस स्विच वाली है उसको भी मैं इसके ऊपर चिपका देता हूँ। ओके गाइस अब हमारा काम यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। अब गाइस हम इसको थोड़ी और मजबूती देने के लिए इसके ऊपर हर जगह ग्लू गन लगा देते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमारे ग्लू लगा देते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट भी ना हो। और जो हमारी मतलब ये एक पावर हाउस है या कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, ये बिल्कुल सेफ रहे। अब हम इसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए यहाँ पर केबल टाई, जिप टाई, कुछ भी आप बोलना चाहो वो है मेरे पास, उसके साथ भी मैं इसको बांध देता हूँ ताकि जो हमारी मोटर है वो बैटरी के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिक्स रहे। यार ऐसा नहीं हो कि भाई हम चलाए तो भाई टूट ही जाए एकदम, ठीक है। तो अभी ये तो गाइस थोड़ी छोटी पड़ेगी तो मैं इन दो टाई को जोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा उल्टा हाँ डाल रहा था, हाँ अब ठीक है। ठीक है गाइस अब मैंने इसको जोड़ दिया है और इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको इसके अंदर डाल के खींच देते हैं। और अब हमारी बैटरी के साथ मोटर बिल्कुल फिक्स हो गई है, कहीं नहीं जाने वाली है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जो जितनी भी वायर है वो भी एक प्रकार से बंद सी गई है, वो निकलेगी नहीं इसके अंदर से, ठीक है। अब गाइज हमारा जो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जितनी भी एक्स्ट्रा ये केबल है इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। ओके गाइज अभी हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, वर्क भी अच्छी तरीके से करना है। अब गाइज चलिए हम इसको अपनी पिचकारी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये गाइस जो इसका रबड़ था इसके ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट आ रहा है तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और हाँ गाइस आपको यहाँ पर लीकेज का ध्यान रखना है, जो इसकी हवा है वो लीक नहीं होनी चाहिए वरना भाई प्रेशर नहीं बनेगा और जो हमारी पिचकारी है वो वर्क नहीं करेगी। अब गाइस जैसे हम इसका नोब खोलेंगे भाई मेरे को हवा महसूस हुई, मतलब जो हमारा सर्किट है मतलब जो सब कुछ है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब गाइस हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक निडल ले लेनी है जो इसी के साथ आई थी, जो भाई इसको थोड़ा केयरफुल करना, अगर आप बच्चे हो तो भाई किसी बड़े को ये वीडियो दिखाना वो आपको करके दे देगा, इसको आप हटा देना। अगर ये भी नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपकी पिचकारी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। बस इससे क्या होगा जो प्रेशर होगा ना वो और थोड़ा तेज़ हो जाएगा क्योंकि जो इसका होल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। मैंने इसको लगा दिया है और इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए गाइस अभी मैंने बोतल के अंदर पानी भी डाल लिया और ये देखिए गाइस हमारा जो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये देख सकते हो गाइस आप, प्रेशर थोड़ा और बनने दिया, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो हमारी पिचकारी है वो वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है गाइस आप देख सकते हो। अभी गाइस मैंने बोतल के अंदर कलर भी डाल दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। और अपना इंजन कनेक्ट कर दिया है, इसको मैं यहाँ पर बटन के साथ दबाता हूँ और ये प्रेशर बनाना चालू कर देगा। ये देखिए गाइस अंदर मोटर बनना चालू हो गई और ये पानी भी ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब गाइस प्रेशर जो है हमारा वो बनने लग गया है, ठीक है। मैं इसको एक मिनट छोड़ देता हूँ और एक मिनट के बाद देखिए गाइस अब आपको मैं चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई कितना मस्त, मतलब देखिए आप थोड़ा सा और मैं प्रेशर बनने देता हूँ, ये देखो भाई, अब देखो भाई जितना मतलब ये चलता रहेगा ना उतना ज़्यादा ये प्रेशर बनाएगी और जितना प्रेशर होगा उतनी ही मतलब तेज़ आपकी पिचकारी और उतनी ही दूर तक जाएगी, ठीक है गाइस आप देख सकते हो। ये देखो भाई बिल्कुल 110% रियल वीडियो है, अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, देखो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। और जो हमारा नोब है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को दबाना, चैनल पर विजिट करके चैनल की और भी वीडियो देखो। और भाई इसी के साथ साथ देखो भाई पानी भी पूरा ख़त्म हो गया, मतलब आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी आधी से आधी के आसपास बोतल थी भाई वो ख़त्म हो गई है। तो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।